सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग लैमिन्स थ्योरम के प्रॉब्लम्स ले रहे थे। अभी तक हम लोगों ने चार प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं लैमिन्स थ्योरम का, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2018 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो जिसका डायग्राम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है। द सिलेंडर बी वेट 5 किलोन्यूटन डायमीटर 400 mm इज हेल्ड इन पोजीशन एज शोन इन फिगर विद द हेल्प ऑफ केबल AB। फाइंड द रिएक्शन एट कॉन्टैक्ट पॉइंट सी एंड टेंशन इन केबल AB, है ना। तो पे हम लोग को बेसिकली दो चीजें निकालना है। एक तो सिलेंडर का वेट आ रहा है इस सरफेस पे एट पॉइंट सी, तो एट पॉइंट सी पे यहाँ पे सरफेस से सिलेंडर के ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगी। वो रिएक्शन की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। और रिएक्शन कभी भी कैसा होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। सो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट होगी इस डायरेक्शन में, है ना। रिएक्शन कभी भी किधर होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट होता है। तो इसका डायरेक्शन रहेगा इधर अंदर की तरफ, पॉइंट की तरफ रहेगा। इसको हम लोग नाम दे देंगे रिएक्शन RC। पॉइंट सी पे एक्ट हो रहा है इसलिए रिएक्शन RC नाम दे देंगे, है ना। उसके बाद ये वाले सिलेंडर को हम लोगों ने पोजीशन किया विद द केबल AB, है ना। सो केबल AB में टेंशन क्रिएट होगा, और टेंशन हमें भी और टेंशन हमेशा कैसा होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब पॉइंट B से बाहर की तरफ रहेगा, है ना। तो टेंशन का डायरेक्शन कैसा रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, है ना। और ये केबल AB है, इसके लिए हम लोग इसको नाम दे सकते हैं TAB, या फिर सिंपल T दो तो भी चलेगा, है ना। और इसका हम लोग को वेट दिया है, केबल का वेट कितना है, केबल का वेट है 5 kN, है ना। तो इसका वेट कभी भी कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है ना। सो वेट का डायरेक्शन हमेशा हम लोग डाउनवर्ड बताते, तो यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट बता देंगे 5 kN का, है ना। और इसका डायमीटर, इस सिलेंडर का डायमीटर हम लोग को दिया है 400 mm। सो ये वाला जो पोर्शन है, देखो BC, ये जो BC डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या रहेगा, इसका रेडियस रहेगा। डायमीटर है 400 mm, तो BC रेडियस कितना रहेगा, 200 mm रहेगा, है ना। सो मैं यहां पे BC को 200 mm लिख सकता हूं, है ना। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 200 mm, है ना। और डायग्राम में हम लोग को AC डिस्टेंस दिया है 350 mm, है ना। और हम लोग को डायग्राम में क्या दिया है, ये वाला एंगल दिया है, देखो यहाँ से 45 degree, ये वाला एंगल, है ना। तो अब लैमिन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए, लैमिन्स थ्योरम इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 3 forces, है ना। सिर्फ 3 forces रहेंगे तभी हम लोग लैमिन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 forces हैं, एक वेट है और दूसरा टेंशन है और तीसरा रिएक्शन है। 3 forces है, यहाँ पे हम लोग को लैमिन्स थ्योरम अप्लाई करना है। लैमिन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी होता है, लैमिन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंगल्स, है ना। मतलब हम लोग को सारे फोर्सेस के बीच के एंगल्स चाहिए, मतलब हम लोग को ये टेंशन और रिएक्शन इनके बीच का एंगल चाहिए, है ना। और ये टेंशन और वेट इनके बीच का एंगल चाहिए। तो ये एंगल्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो हम लोग को दिया है उसका यूज करेंगे। देखो क्या दिया है हम लोग को, हम लोग को यहाँ पे ये वाला एंगल दिया है। देखो हॉरिजॉन्टल से ये इस सरफेस तक का, इस इंक्लाइन सरफेस तक का एंगल कितना है, 45 degree है ना। सो अभी सेम वे यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया मैं, वैसे ही ए पे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, है ना। सो देखो ये हो गया ट्रांसवर्सल, है ना। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल है उतना ही सेम एंगल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से रहेगा, टोटल एंगल कितना हो जाएगा मेरा, 45 डिग्री हो जाएगा एडजेसेंट एंगल से ना। ये ट्रांसवर्सल है और दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल मीन के एंगल कितना होता है, ये एंगल और ये एंगल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये 45 डिग्री है तो ये टोटल एंगल भी कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, है ना। अब ये वाला एंगल देखो, यहां से इतना जो एंगल है, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ध्यान से देखो, है ना, ये वाला एंगल निकालना है तो ये वाली है अपोजिट साइड और ये एसी क्या है, एडजेसेंट साइड। देखो अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, टैन थीटा, है ना। तो टैन थीटा को अप्लाई करके हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब में पहले हम लोग को वही करना है, यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल में, है ना, ये वाले ट्रायंगल में हम लोग टैन थीटा यूज करेंगे। ये है ट्रायंगल हमारा एबीसी, यहाँ पे ये वाला थीटा हम लोग को निकालना है। ये अपोजिट साइड बीसी है हमारा 200, है ना, और एसी, एसी है हमारा 350, है ना। सो देखो अपोजिट बाय एडजेसेंट, टैन थीटा अप्लाई कर सकते हो, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड दैट इज 200, एडजेसेंट साइड कितना है 350। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ 200 / 350,
ओके सो इसको अच्छे से कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 29.74 डिग्री, है ना। सो देखो ये वाला एंगल मिल गया हम लोग को 29.74 डिग्री, है ना। हम लोग को बेसिकली कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, टोटल एंगल चाहिए, है ना। सो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे यहां से इतना। देखो अब ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा, इसके लिए सिंपल है। देखो ये टोटल एंगल कितना है, 45 है ना। 45 में से 29.74 माइनस कर दो, है ना। तो ये 45 में से 29.74 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। तो अब ये वाला एंगल कैसे मिलेगा हम लोग को, 45 माइनस 29.74 करते हैं तो ये मिल जाएगा हम लोग को 15.26 डिग्री। ये वाला एंगल मिल गया हम लोग को 15.26 डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब में पहले। देखो 15.26 डिग्री ये वाला एंगल मिला हम लोग को, देखो इस वाली लाइन से, है ना। ये वाली जो लाइन है हमारी, ये जो इंक्लाइन लाइन है, इस इंक्लाइन लाइन का एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मुझे मिला है। अब ध्यान से देखना, देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। देखो यहां से मैं अगेन क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहां से। देखो बी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। अब ध्यान से देखो ए बी, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन से ट्रांसवर्सल तक का जो एंगल है वो कितना है, 15.26 है। तो यहाँ पे भी हॉरिजेंटल से यहाँ तक का एंगल ये कितना हो जाएगा, ये भी 15.26 डिग्री हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स है ना, अल्टरनेट एंगल्स है ये, है ना। एक ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा। सो देखो यहाँ पे हम लोग को ये वाला एंगल मिल गया 15.26 डिग्री, है ना। अब बचा ये वाला एंगल और ये एंगल, है ना। ये दो एंगल्स अगर हम लोग को मिल जाते हैं तो बाकी का कैलकुलेशन एकदम ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये वाला एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये है एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री में से हम लोग 15.26 को माइनस कर लेंगे तो हम लोग को ये वाला एंगल मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 90 डिग्री में से माइनस करते हैं 15.26 को, सो ये एंगल मिलेगा हम लोग को 74.74 डिग्री। ये वाला एंगल मिल गया, देखो हम लोग को ये जो एंगल है इसका वैल्यू मिला है 74.74 डिग्री। ये एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया। अभी सिर्फ हम लोग को ये यहाँ से इतना एंगल चाहिए, ये एंगल अगर हम लोग को मिल जाएगा तो फिर हम लोग डायरेक्टली लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब इस एंगल को निकालने के लिए आपको ध्यान से देखना है डायग्राम को। देखो ये है हमारा सरफेस, है ना, और इस सरफेस को ये जो आरसी है, ये रिएक्शन है, ये कभी भी कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है। इस सरफेस को ये वाला रिएक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, है ना। तो ये सरफेस और इसके बीच में जो एंगल है ये वाला, ये एंगल कैसा रहेगा, हमेशा 90 डिग्री होता है। देखो कोई भी जो रिएक्शन एक्ट होती है वो कभी भी सरफेस को परपेंडिकुलर होती है ना, रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। तो एक बात पक्का याद रखना, इस सरफेस का एंगल, जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो इस सरफेस का एंगल आपको एक तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से दिया रहेगा, है ना। यहां पे हम लोग को इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है 45 डिग्री, है ना। सो इस सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है तो इस सरफेस की जो रिएक्शन है RC, इसका एंगल वर्टिकल से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं, ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस का एंगल हम लोग को यहां पे प्रॉब्लम में दिया है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, है ना। सो इसकी जो रिएक्शन बनेगी RC, इस रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से सेम रहेगा। मतलब ये 45 है, हॉरिजॉन्टल से यहां पे 45 एंगल, तो यहां पे वर्टिकल से रिएक्शन का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। ये हमेशा याद रखना, जब भी किसी सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है तो उसके रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से यहां पे सेम हो जाएगा, है ना। अगर किसी सरफेस का एंगल वर्टिकल से यहां पे दिया है तो उसके रिएक्शन का एंगल हॉरिजॉन्टल से सेम हो जाएगा। यहां पे हॉरिजॉन्टल से 45 दिया तो रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से क्या हो गया, सेम हो गया। ये 45 है तो ये भी 45 आ गया। अब देखो ये है एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, है ना। ये 45 है तो ये भी कितना रहेगा, ये भी रहेगा 45 डिग्री, है ना। सो देखो ये वाला एंगल मिल गया हम लोग को कितना है, 45 डिग्री, है ना।
सो ये एंगल मिला 45, ये 15.26 और यहां से इतना मिल गया 74.74, है ना। तो मतलब जो भी रिक्वायर्ड एंगल्स थे हम लोग को, सारे हम लोग को मिल चुके हैं। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे और लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो चलो डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बना लेते हैं हम लोग। इसको रफ कर देता हूं मैं ये वाले कैलकुलेशन को। सो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग बनाएंगे, सिर्फ फोर्सेस को शो करेंगे और एंगल्स को शो करेंगे। सब में पहले हमारा वर्टिकल फोर्स है ना, जो हमारा लोड है, इसका वेट सिलेंडर का जो हम लोग को दिया है, कितना दिया है 5 किलो न्यूटन। उसके बाद टेंशन आउटवर्ड है ना, सो यहाँ पे देखो टेंशन को हम लोग आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बता देंगे यहाँ पे, है ना। ये टेंशन हमारा TAB जो अननोन है, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे जा रहा है रिएक्शन, रिएक्शन हमारा आ रहा है ऐसे, देखो यहाँ पे है ना, ये रिएक्शन इनवर्ड है अंदर की साइड में, उसको वैसे ही रख दो RC। अभी देखो यहाँ पे इस TAB और लोड दोनों के बीच का एंगल कितना है, 74.74 है। तो सब में पहले ये एंगल लिख देता हूँ मैं 74.74 डिग्री, है ना। अभी ये दोनों के बीच का एंगल देखो, जैसे ये एंगल निकाला उसी तरह से ये दो फोर्सेस के बीच का एंगल हम लोग को चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दो एंगल निकाले ना हम लोगों ने, ये और ये, है ना। तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है ना। सो 45 प्लस 15.26 दोनों को ऐड कर दो, 45 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 60। तो आ जाएगा आंसर 60.26। तो ये वाला एंगल कितना मिला, 60.26 डिग्री, है ना। सो अब देखो RC और TAB के बीच का एंगल मिल गया, और TAB और 5 किलो न्यूटन ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल भी मिल गया, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, कंडीशन कैसा है कि दो फोर्सेस इनवर्ड है, अंदर की तरफ जा रहे हैं, दो फोर्सेस अंदर की तरफ जा रहे हैं, एक फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है ना। सो फोर्स को ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ऐसे ही रखना है और कैलकुलेशन करना है, लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है, वैल्यूज मिल जाएंगे देखो। सो उसके लिए हम लोग को और एक एंगल की जरूरत है, कौन सा एंगल, 5 किलो न्यूटन और RC दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल देखो, यहाँ से इतना, ये पूरा एंगल, मतलब ये दोनों फोर्सेस का एडिशन 74.74 प्लस 60.26। अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, सो एंगल की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 135 डिग्री, है ना। सो 5 किलो न्यूटन का फोर्स और RC का फोर्स, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये दोनों का एडिशन करना है, कितना आया 135 डिग्री आया, ओके। अब सारे एंगल्स हम लोग को मिल चुके हैं, अब लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है देखो। सो सब में पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इधर बाय और अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, तो लैमिस थ्योरम का इक्वेशन फॉर्म करेंगे यहाँ पे। सब में पहले एक अननोन फोर्स लिख दो, रिएक्शन लिख देता हूँ मैं RC, है ना। सो देखो इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ नीचे RC, RC अपॉन RC के नीचे क्या लिखेंगे, RC को भूल जाओ, अभी RC को भूल जाओ, TAB और 5 किलो न्यूटन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 74.74 है। सो इसके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ऑफ 74.74 इज इक्वल्स टू, अब RC हो गया, अब नोन फोर्स को लिखो, नोन फोर्स है हमारा 5 किलो न्यूटन का, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 5 अपॉन साइन ऑफ, अब एंगल कौन सा लेंगे, 5 किलो न्यूटन को भूल जाओ, TAB और RC के बीच का एंगल, TAB और RC के बीच का एंगल कितना है, 60.26। तो यहाँ पे लिख देंगे 60.26 इज इक्वल्स टू, अभी लास्ट वाला फोर्स हमारा क्या है, TAB, तो यहाँ पे लिख दो TAB अपॉन डिवाइडेड बाय, अभी देखो साइन ऑफ, अब ध्यान से देखना TAB को भूल जाओ, सो अब एंगल क्या रहेगा, 5 किलो न्यूटन और RC, ये दो फोर्स के बीच का एंगल है ना, और ये एंगल दोनों को ऐड करने के बाद मिलता है 135 डिग्री, या फिर आप ये एंगल भी ले सकते हो ऐसे बाहर से, है ना, 360 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो ये बाहर का एंगल भी ले सकते हैं ना, लेकिन बाहर का एंगल लेने के लिए और एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करके ये वाला एंगल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां से इतना एंगल, दोनों का एडिशन कितना है 135, है ना। तो TAB का एंगल 5 किलो न्यूटन और RC दोनों के बीच का एंगल कितना आया 135, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ऑफ 135, ये फॉर्म हो गया हमारा इक्वेशन किसका, लैमिस थ्योरम का। अब क्या करना है, अब सिर्फ ये दो वैल्यूज को यूज करो, RC मिल जाएगा, फिर ये दो वैल्यूज को यूज करो, TAB मिल जाएगा। सब में पहले ये दो वैल्यूज को हम लोग यूज करते हैं, देखो ये दोनों को यूज करना है, तो यहाँ पे वापस से इनको लिख देना है RC अपॉन साइन ऑफ 74.74 इज इक्वल्स टू 5
अपॉन साइन ऑफ 60.26। ओके, अब आरसी निकालना है, साइन 74.74 इधर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो देखो आरसी इज इक्वल टू, देखो 5 अपॉन साइन ऑफ 60.26 इंटू, ये साइन 74.74 इधर डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, साइन ऑफ 74.74 है ना। अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को आरसी का वैल्यू मिल जाएगा 5.555 किलो न्यूटन है ना, ये मिल गया रिएक्शन। अब ये दो वैल्यूज को यूज करना है और टीएबी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो टीएबी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये दो वैल्यूज को यूज करेंगे, 5 अपॉन साइन ऑफ 60.26 इज इक्वल्स टू टीएबी अपॉन साइन ऑफ 135। टीएबी निकालना है, साइन 135 डिवीजन में है, इधर लेके जाओ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। देखो सो क्या हो जाएगा, टीएबी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 अपॉन साइन ऑफ 60.26 इंटू साइन ऑफ 135 है ना। अभी सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को टेंशन इन केबल ए बी दैट इज टी ए बी का वैल्यू मिल जाएगा 4.072 किलो न्यूटन है ना, 4.072 किलो न्यूटन, ये आ गया टेंशन। सो दोनों वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।